ओम शांति, ओम शांति दीदी। एक क्वेश्चन है मेरा। ग्रुप नंबर वन में जो बाबा ने कहा है कि सदा अपने को बेहद के सेवाधारी और सदा के सेवाधारी, हर संकल्प में हर सेकंड में सेवाधारी बनाओ, इसको कहा जाता है बेहद के सेवाधारी। तो ये बताएंगे दीदी कैसे करना है, आप कैसे करते हैं सब। बहुत सुंदर पूछा आपने, थैंक यू। क्योंकि बाबा कहते हैं कि ये नहीं कि कोई हम जैसे 2-4 घंटे की योगी ऐसे 2-4 घंटे के सेवाधारी बने। हम ब्राह्मण बने ही हैं तो सेवा के लिए हमारा जन्म हुआ है। तो अगर हम हर सेकंड हर संकल्प सभी के प्रति शुभ भावनाएं शुभ कामनाएं रखते हैं, तो जैसे बेहद की सेवा है ना, कोई हद के एक स्थान के लिए, एक व्यक्ति के लिए, उस प्रकार से नहीं, लेकिन सभी होल वर्ल्ड के लिए हमारी भावनाएं अगर ऊंची है, श्रेष्ठ है, रुचि श्रेष्ठ है, तो जैसे हम सदा काल के बेहद के सेवाधारी हैं, तो हमेशा अपनी भावनाओं को श्रेष्ठ बना के रखना है, ऊंची बना के रखना है, और अपनी रुचि को सदैव श्रेष्ठ बना के रखना है, शुभ भावना शुभकामनाओं से संपन्न बना के रखना है। ठीक है, ओम थैंक शांति यू दीदी। दीदी। ओम शांति सिस्टर, हमारा क्वेश्चन है, जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला कि सारी संबंध, सारी प्राप्तियां बाबा से, सब संबंधों में, क्योंकि वो रचना है, वो रचयिता है और हम रचना है। तो हमारा क्वेश्चन आपसे ये है कि हमारे जो फेवरेट संबंध, बाबा तो मेन तीन बोलता है, सद बाप, सद शिक्षक, सद गुरु, उसके बाद शिव माँ भी हैं, फिर उसके बाद मेन हमको जो अच्छा लगता है शिव भोलू, मतलब बेटे की तरह हमको आनंद जी आता है। जी तो उसके अलावा एक भाई का भी हमने शुरू किया हुआ है। हमसे क्वेश्चन ये है कि जी जैसे बोलता है ना, हर रिश्ता तो खुदा दोस्त जो गाइड है और रूहानी सर्जन है, धर्मराज, ये सब तो किया हुआ है अनुभव। अब जी बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं ना, बाबा कहते हैं ओबीडियंट सर्वेंट हो, और या फिर मदर इन लॉ है, या फिर इन लॉ, बहुत सारे रह जाते हैं। तो आपसे हमें ये रिक्वेस्ट बताइए कि क्या हमें रियली हर रिश्ते को जीना है, या फिर जो हमारे फेवरेट रिश्ते हैं जिनसे हमें प्राप्ति लगती है उन पे कंसंट्रेशन करना है। इसको थोड़ा वाइडली और थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए दीदी। जरूर। थैंक यू। बाबा ने जैसे कहा ना कि परमात्म प्यार में सब प्यार समाया हुआ है, क्योंकि बाबा रचना है, तो बाबा बंधा हुआ है आपको हर संबंध का प्यार देने के लिए। जैसे आज बाबा ने नई बात की ना, पोतरा दोतरा, इसका भी प्यार बाबा के प्यार में समाया हुआ है, क्योंकि है तो वो भी बाबा की रचना ना, और बाबा रचता है। तो आप जो भी संबंध बाबा से लगाना चाहे लगा सकते हैं। आपने जो कहा कि प्राप्ति जो होती है कि वही संबंध जोड़े, ऐसा भी नहीं, वो तो जोड़ेंगे, वो सहज जैसे जुड़ जाते हैं। जैसे आपने कहा कि जो कॉमन मुख्य मुख्य संबंध है वो तो आपने जोड़ लिए, पर कभी कभी ये रिश्ते भी तो बहुत अहमियत रखते हैं ना, जो आपने नहीं जोड़े हैं, लेकिन जीवन में वो हमारे साथ है, जुटे हुए हैं, और उन रिश्तों का भी हमारे जीवन के ऊपर असर होता है। तो इसलिए जरूरी है कि वो रिश्ते भी हम बाबा से जोड़ के देखें, क्योंकि अगर वो संबंध अगर जोड़ना रह गया तो बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि जो संबंध आपने बाबा से नहीं जोड़ा है, आपको उसी रूप में परीक्षा आएंगी। तो इसलिए बेटर है कि हम सभी रिश्ते बाबा के साथ जोड़े। तो फिर ये नहीं होता ना कि कोई रिश्ता है, संबंध है, और हम उसके साथ कनेक्शन में नहीं आते, या कभी उनके लिए संकल्प नहीं चलता, हो ही जाता है ना ऐसा। इसलिए कोई एक भी संबंध ऐसा नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो, मैं अपने अनुभव से बताते कि डॉक्टर है जैसे, तो हम कभी डॉक्टर के पास इतना गए नहीं आज तक की जीवन में, तो सबको फैमिली डॉक्टर होता है या जो भी होता है, तो गए नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बाबा के साथ सर्जन का अनुभव नहीं करते हैं। हम कर लेते हैं, क्योंकि मन की तंदुरुस्ती के लिए भी तो हम रूहानी सर्जन को याद कर लेते हैं ना। तो क्यों ऐसा जरूरी है, क्योंकि जब अगर समझो हमको जीवन में जरूरत पड़ेगी, तो हमको एक डॉक्टर के साथ कैसे रिलेशन होता है पेशेंट का, वो भी तो संबंध का अनुभव होना चाहिए ना। नहीं तो फिर जैसे कई लोग कभी नहीं डॉक्टर के पास गए होते तो उनको डर लगता है, फिर हॉस्पिटल का नाम लो या जाना है तो डर जाते हैं। लेकिन अगर बाबा के साथ वो संबंध जोड़ के रखा है, या जैसे उसको अनुभव है, पता है, तो फिर उसको डर नहीं लगेगा। अगर जीवन में कभी वो परिस्थिति आए भी तो भी उसको वो हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसको अनुभूति है उस चीज की। अगर बिल्कुल नहीं किया है तो फिर प्रॉब्लम होगा।
इसलिए जो भी रिश्ते असर करते हैं, जो भी हमारे लिए माइन करते हैं, उन सब रिश्तों को हमें बाबा के साथ अवश्य जोड़ना है। ठीक है जी, बहुत तो सुंदर। उसमें सास का रिश्ता कैसे करेंगे, क्योंकि सास तो हमेशा इतना बहुत ही राइट है, थोड़ा टेढ़ा वाला है। देखो पहले संकल्प में क्या है, टेढ़ा रिश्ता है तो वो टेढ़ा ही रहेंगे। नहीं, मैं ऐसे भी है। ऐसे ऐसे कितना भी हम अपनी तरफ से करें तो भी कहते हैं ना, नहीं नहीं सुधरता जी, है जी तो। मैं समझ सकती हूँ। कई बार कहते हैं ना कि सास को माँ बोलो पर समझते कि सास माँ नहीं हो सकती है, ऐसा भी बोलते हैं। क्या होता है, ये रिश्ता कुछ इस तरीके का है कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं। आप किसी के जीवन में उसका पार्ट बनते हो तो वो थोड़ा इनसिक्योर फीलिंग उनको होता है, इसके कारण भी वो एक संकल्प अलग चलते हैं। इसलिए वो लोग आपको सिखाना चाहते हैं, और आपका भी अलग माइंडसेट होता है, आपका अपना तरीका होता है, उनके अपने तरीके होते हैं, उनकी अपनी विधियाँ होती है। तो वो समझते हैं कि हम उनकी विधियों को फॉलो करें, लेकिन एडवांस के हिसाब से या समय के हिसाब से हम उसको नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन वो भी तो बाबा की रचना है ना, बाबन जैसे आज कहा है तो सभी बाबा की रचना। हाँ, जो भी हमको उस संबंध में मिले हैं, जरूर हर संबंध हर रिश्ता जो हमारे साथ जुटता है वो हमारा कार्मिक अकाउंट तो है ही ना। ये तो हम सबसे पहले मानेंगे कि वही मेरी सास क्यों बनी, या वही मेरी जैसे जेठानिया जो भी है क्यों बनी, मतलब जरूर उस रिश्ते में कुछ तो ऐसा है ना कि जो हमको निभाना है, उसको कंप्लीट करना है, कवर करना है। उल्टा ये कितनी अच्छी बात है कि हमारे पास नॉलेज है और उस आधार से हम उसको खुशी खुशी चुकतू कर सकते हैं। अज्ञानता के वजह जैसे लोग उसको बढ़ाते हैं, हम बढ़ाएंगे नहीं, हम प्यार से एड्रेस करते हुए, समाते हुए उसको थोड़ा सा सहन करते हुए, थोड़ा सा झुक करके, ऐसा अगर हम कर लेते हैं तो रिश्ता भी इजी हो जाता है। तो बाबा को ये कह सकते थे कि बाबा ये आपकी आपका बच्चा है, ये इस जीवन में भले पार्ट में मेरी सासू माँ है, पहले तो आप सासू माँ बोलना शुरू कीजिए, तो फिर आपको वो वर्ड ही जैसे वाइब्रेशन स्प्रेड करेगा, उनके अंदर माँ का प्यार पैदा करेगा। तो नहीं दीदी, शिवा बापू सास कैसे बनाएंगे? अब वही तो मैंने कहा, सास क्यों टेढ़ी लगती, क्योंकि सास सिखाती है ना, सास सूचनाएं देती है, मराठी में कहते हैं सासू माना सारे सूचना, असो एक उसकी व्याख्या करते हैं। तो वो हमेशा इंफॉर्मेशन देती रहती है, सूचनाएं देती रहती है, लॉज लगाती रहती है, ये नहीं करो ऐसा करो, ये नहीं ऐसा करो, ये नहीं ऐसा करो, ऐसा बताती रहती है। इसलिए तो हमको ऐसा लगता है ना, हमेशा हर बात में टोकते हैं। तो बाबा को भी, बाबा भी तो हमको हमारे लिए अच्छी अच्छी बातें होती है, तो बाबा भी तो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं ना कि आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। तो हमको ये समझना है कि ठीक है, वो उस रीति से समझा रहे हैं तो हम भी उस रीति से समझे कि बाबा कभी संबंध जोड़, आखिर है तो ये मन से संबंध जोड़ने की बात ना, बाबा कोई फिजिकल वे में तो नहीं कह रहे हैं। इसलिए सास का संबंध भी जोड़ सकते बाबा के साथ कि बाबा आप हमारी सासु माँ होती, आप कितनी अच्छी होती, आप क्या करते हमारे लिए, तो मुझे कौन सी सास चाहिए, देखो मैं बताती आपको कैसे योग करूँ, मुझे कैसे सासु माँ चाहिए थी, प्यार करने वाली, अप्रिशिएट करने वाली, आगे बढ़ाने वाली, मोटिवेट करने वाली। तो बाबा अगर आप मेरी सासू माँ होते तो आप मेरे लिए सब करते, तो बाबा मैं ये शुभ भावना रखती हूँ कि अभी की जो मेरी सासू माँ है तो वो भी मेरे साथ बिल्कुल ऐसा व्यवहार करे, वो मुझे सुख दे, या वो मुझे अंडरस्टैंड करे, वो मुझे मोटिवेट करे। इस तरीके से आप योग करके देखिए, थोड़ा एक संबंध जोड़ के देखिए, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। ओम शांति सिस्टर, आपने अच्छा, बहुत अच्छा क्लियर किया इस बात को, क्योंकि आपने क्या बताया, जो भी हमें संबंध, जैसे सन इन लॉ है या फिर समधन है, जो हमने सोचा भी नहीं कि हम बना सकते हैं, तो आपसे जो क्लियरिटी मिली वो ये मिली कि हम बाबा से बोल भी सकते हैं, बाबा ये बच्चे हैं और ये हमें बेस्ट होते तो आप कैसे उनको, तो उसी इमेज में हम बाबा हमें दिखाएगा। तो बहुत अच्छा, एक आपने बहुत ही सुंदर पर्सपेक्टिव बताया, शुक्रिया सिस्टर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू बाबा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हां दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जैसे आज बाबा ने मुरली में बोला ना कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो तो आप उसको खेल समझो, लेकिन और अगर बाहर से भी इसका रोने का पार्ट है उसमें,
तो उसको आप कैसे समझते हैं, मतलब मुझे ये बात नहीं समझ आई कि रोने का पार्ट कैसा है और उसको कैसे, मतलब उसको ऐसे और बाहर से तो हम रो रहे हैं लेकिन अंदर से उसको कैसे करें। हाँ जी प्लीज इसमें थोड़ा जी जी जरूर। उसको कहते हैं नाटक में नाटक। एक तो ये एक बहुत बड़ा नाटक है, ड्रामा बेहद का, जिसमें हमको एक पार्ट मिला हुआ है। तो आपने जब भी कभी कोई सिनेमा या कुछ भी नाटक देखा होगा, तो आप देखेंगे कि वो जो एक्टर होते हैं वो कितना डेडिकेटली वो पार्ट को प्ले करते हैं। एक सेकंड पहले जो एकदम इमोशनली रोने का पार्ट कर रहा है, अगर सेकंड मिनट में उसको अगर किसी चीज में हंसी आ जाती है या हंसी खुशी दिलाई जाती है, उतना ही विद इन अ सेकंड उसका मूड स्विंग होता है। तो अगर वह एक आर्टिफिशियल टेम्पररी एक्टर होकर के भी इतना अच्छी तरह से अपने आप को उस पार्ट में ढाल लेता है, आप पहले इस बात को सोचिए, इतना अपने आप को उसमें मतलब ढाल लेता है कि भूल ही जाते देखने वाले उसको कि अभी ये ऐसा था। जैसे बाबा कहते अंदर की अवस्था अगर हमारी मजबूत होंगी ना, तो भले हमारे पार्ट की डिमांड है कि हम ऊपर से रो, जैसे किसी नजदीकी रिश्तेदार की समझो ये हो गई है, डेट हो गई, तो वहां जाके के तो आपको समझो कि आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखाएंगे कि आपको कुछ लग रहा है। तो हो भी सकता है कि लोग आपके लिए बातें बनाएं, बहुत नजदीक का रिश्ता है तो कभी चुप भी बैठना होता है, और आंखों से आंसू गिराना माना ये नहीं है कि अंदर से दुखी होना है, वो तो आपको उनकी अच्छी बातों को याद करके भी तो आंसू आते हैं कि उनके अंदर कितनी विशेषताएं थी, उन्होंने हमको उनके पार्ट में कितना केयर किया था, तो वो बात याद करके भी किसी को रोना आता है। तो देखने वाले को क्या लगेगा कि रो रहा है, इसको शायद दुख हुआ है, पर अंदर में आपको क्या क्या फीलिंग है उस आत्मा के लिए कि इसने मेरे साथ अच्छा पार्ट प्ले किया, ये जहां भी जाए उसको अच्छी मतलब सब मिले, ये भाव होता है ना, क्योंकि आप उसकी विशेषताओं को याद कर, तो आपके पार्ट की डिमांड वो है ना, तो आप पार्ट की डिमांड को समझिए, उस समय के सिचुएशन को समझिए। अगर आपकी पार्ट की डिमांड उस समय वो है तो आपको वही करना है, चुप रहना है तो चुप रहना है, भले बाहर से रोने का रूप हो रो के दिखाइए। जैसे कि उससे अगर आपको किसी बात से छुट्टी मुक्ति मिलती है तो आप थोड़ा बहाना बना, जैसे आप बच्चे देखो, हाँ मैं एकदम सिंपल एग्जांपल आपको बताती हूँ, अगर होमवर्क पूरा नहीं हुआ या स्कूल जाना या जो भी है तो नाटक करेंगे रोने का, मुझे पेट में दुख रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे नहीं जाना है, ऐसा बोलेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा। और अगर आप उसको छुट्टी दे दो, बोलो अच्छा चलो नहीं जाओ आज के दिन स्कूल, 2 मिनट में देखो वो खेलने जाएंगे ना, तो एकदम जैसे आपको लगे इसको पेट में दर्द था, तो उसने क्या किया, वो नाटक में नाटक किया ना उसने, वो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ऐसा कभी कभी कोई बात में युक्ति निकालने के लिए किसी को इमोशनली भी, जैसे बाबा हमेशा युक्ति के लिए कहते हैं कि किसी को बताओ मुझे साक्षात्कार हुआ या मुझे अंदर से प्रेरणा आती है कि मुझे इस प्रकार से रहना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए, तो आप मुझे कृपया सहयोग दीजिए, तो इस प्रकार से युक्ति के लिए भी बाबा ये बताते हैं कि कभी आप वो युक्ति भी यूज कर सकते हैं, या फिर ड्रामा में जो आपके पार्ट की डिमांड है उस हिसाब से आपको थोड़ा सा उस प्रकार का रोल प्ले करना चाहिए, पर अंदर की अवस्था एकदम मजबूत होनी चाहिए, आपकी अवस्था के ऊपर कोई असर नहीं होना चाहिए आपका, बाह्य रूप से भले आप पार्ट प्ले करो, आपको ये अंदर कॉन्शियस भी होना चाहिए कि मैं सिर्फ ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, इसलिए अंदर मेरी अवस्था बड़ी अच्छी है। ठीक है, युक्ति से मुक्ति मिलती है। युक्ति से मुक्ति, तो इसलिए वो ड्रामा करना होता है, ड्रामा में ड्रामा करना होता है। ठीक है, ओके। थैंक यू। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहन जी का कितना सुंदर विचार सागर मंथन है, तो बहन जी को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना ही ग्रुप है कि आप कभी भी इस आगे वाले जो ग्रुप में आने वाले, आपको जब भी फ्री होंगे तो आप इस ग्रुप में आकर हमें गाइडलाइन कर सकते हैं। तो हमें अभी योग की तरफ चलते हैं, तो हम लास्ट के 10 मिनट बहुत अच्छी तरह से योगाभ्यास करते हैं। तो योग करने से पहले हम आज का होमवर्क भी दीदी जी से सुनेंगे कि क्या होमवर्क हम लेंगे कल मुरली तक, और फिर उसके बाद आप योगाभ्यास करेंगे। ओम शांति। आज के लिए होमवर्क यही रहेगा, जैसे बाबा ने सबसे पहले कहा कि प्रकृति और मनुष्यात्माओं को परिवर्तन करना है, तो
उसके लिए हमको क्या करना है, वाइब्रेशन और वृत्ति को शक्तिशाली बनाना है। तो हमको ये अभ्यास लेना है कि मनुष्यात्माओं की वृत्ति को चेंज करना है, तो प्रकृति को भी वाइब्रेशन द्वारा हमें परिवर्तन करना है। तो हमें अपनी शुभ भावना शुभकामनाओं को बढ़ाना है, हर एक प्रति हमारी वृत्ति कैसी अच्छी बनी रहे इसका थोड़ा ध्यान रखना है, मतलब उसके ऊपर अलर्ट रहना है कि किसी की भी प्रति मेरे मन के अंदर गलत भाव नहीं होना चाहिए, भले वो हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे, हमारी मन बुद्धि हमेशा शुभ भावनाओं से संपन्न रहे, हमारा वाइब्रेशन उसके पास अच्छा जाए, क्योंकि हम ऊपर से अच्छा भी बोलेंगे लेकिन अंदर अगर संकल्प है वृत्ति गलत है तो वो वाइब्रेशन उसके पास पहुंचता है। इसलिए हम अपनी मन बुद्धि को शुभ भावना शुभकामना से भरपूर रखे और अपना अच्छा वाइब्रेशन कैसे स्प्रेड हो इस बात के ऊपर अटेंशन दे। दूसरा, हम अपने आप को नशा चढ़ाए या ये समझे कि मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जो भाग्य विधाता हमारा बन गया है। जब भाग्य विधाता मेरा बन गया है तो भाग्य का आ जाएगा, हाँ हमको सोचने की आवश्यकता नहीं है, हमारी खुशी भी कम जास्ती नहीं होंगी क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता मेरा है। ये स्वमान ले सकते कि स्वयं भाग्य विधाता मेरा है, जो मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ ये सामान ले सकते हैं। और मैं जैसे बाबा ने कहा ना, सब कुछ बाबा के हवाले करके डबल लाइट बनना है, तो इसके लिए बाबा ने सामान दिया ना कि मैं कमल पुष्प के समान न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ। मुझे डिटैच होकर के रहना है, न्यारा और प्यारा होकर के रहना है, और परमात्मा का प्यार मिला है तो और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि परमात्मा रचयिता है, सब उसकी रचना है, उसमें सारे प्यार समाये हुए है। तो इसलिए मुझे सर्व संबंधों का प्यार एक बाबा से लेना है। कंबाइंड रहेंगे तो सफलता आगे पीछे घूमेंगी ना, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड मुहूर्त हूँ और सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस समान का भी आपको अभ्यास करना है। तो जितना हम समान का अभ्यास करते हैं ना, नेचुरल हमारी स्थिति अच्छी बनती जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा हम समान का अभ्यास, जो मुख्य समान होते हैं उनका अभ्यास अवश्य करें, तो फिर हमारी स्थिति अच्छी रहेगी। तो दिन में कई बारी आप इन समानों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वृत्ति के ऊपर और अपने वाइब्रेशन के ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान या टेंशन देना है। चलिए अभी हम प्यार से बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। सभी थोड़े समय के लिए बहुत ही अलर्ट होकर के अपने आंतरिक जगत की यात्रा में सम्मिलित होंगे। देखिए अपने आप को भ्रुक्ति के मध्य में चमकता हुआ, मैं लकी सितारा, सफलता का सितारा, चमकती हुई दे दीप्यमान मणि हूं। मैं नंबर वन भाग्यवान आत्मा हूं। स्वयं भाग्य विधाता मेरा साथी है। अपने आप को समान दे कि मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली आत्मा हूं। सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता के प्यार की अधिकारी आत्मा हूं। सर्व संबंधों के प्यार की अनुभूति एक पिता परमात्मा के साथ करने का परम सौभाग्य मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। कितनी न मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, बाहर है मेरा श्रेष्ठ भाग्य। देखिए अपने भाग्य को इस जीवन के अंदर
स्वयं भाग्य विधाता ने उसे अपना अधिकारी बच्चा बनाया है, अपनी सर्वशक्तियां सर्व ज्ञान का खजाना उसने मुझे वर्षे के रूप में दिया है। मैं परमात्म प्यार की अधिकारी आत्मा हूं। सोचिए अपने श्रेष्ठ भाग्य के बारे में कि मैं सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आत्मा हूं। उसकी दुआओं का हाथ सदैव मेरे सिर के ऊपर है। मैं उसकी छत्र छाया में सुरक्षित आत्मा हूं। मैं शिव शक्ति उस परमात्मा पिता के साथ कंबाइंड हूं। देखिए अपने आप को परम धाम में बाबा के साथ में कंबाइंड हूं। सर्व शक्तियों से संपन्न स्थिति, कंबाइंड स्थिति, एक पावरफुल स्थिति, मास्टर रचयिता बीज रूप के साथ मैं कंबाइंड आत्मा हूं। परम धाम की ऊंची स्थिति में अपने आप को स्थित करते हुए मैं कति उच्च स्थिति का अनुभव कर रही हूं। प्यारे बाप दादा के साथ कंबाइंड स्वरूप का अनुभव। सर्व शक्तियों से संपन्न स्थिति, भरपूरता की स्थिति, संपन्न स्थिति का मैं आत्मा अनुभव करती हूं। अपनी असीम सर्वोच्च पवित्र शुद्ध स्वरूप का अनुभव, शक्ति स्वरूप का अनुभव मुझ आत्मा को परमात्मा पिता के समीप सानिध्य में प्राप्त हो रहा है। मैं एक शुद्ध सत्प्रधान आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा। मुझे सर्व अधिकार प्राप्त है परमात्म प्यार के, परमात्म वर्षे के, परमात्म वरदानों से अपनी झोली भरने के। इन सब प्राप्तियों से संपन्न मैं आत्मा अनुभव करती हूं कि मैं सफलता का चमकता हुआ सितारा हूं। मैं सफलता मूर्त आत्मा हूं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है।
अनुभव कीजिए अपने अधिकार को कि हर बात में मुझे सफलता मिलनी ही है, कि स्वयं सर्वशक्तिवान के साथ मैं कंबाइंड हूं। जिसके साथ सर्वशक्तिवान है उसे सर्वशक्तियां हासिल है, सफलता उसके आगे पीछे घूमती रहती है। मुझे नशा है कि मैं ही थी, मैं ही हूं और मैं ही रहूंगी। मैं सफलता मूर्त आत्मा जीवन के हर क्षण में, हर क्षेत्र में सफलता मूर्त का वरदान प्यारे पिता से प्राप्त कर रही हूं। और एक संपन्न भरपूर स्थिति का अनुभव करते हुए अपनी सर्वशक्तिवान स्थिति में संपन्न चारों ओर अपने प्रकाश की किरणें फैलाते हुए मैं दैदीप्यमान सितारा परम धाम घर से इस भौतिक जगत में अपने भौतिक शरीर में उभरकुटी के मध्य में विराजमान होती हूँ। अनुभव करती हूँ कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। परमात्मा की सारी दुआएं, सारी शक्तियां मैं अपने रोम रोम में अनुभव कर रही हूँ। परमात्मा स्नेह में लवलीन होकर मैं आत्मा सर्व संबंधों के सुखों का अनुभव परमात्मा पिता के साथ कर रही हूँ। खो जाइए, बाबा के प्यार को अनुभव कीजिए। व्यक्त में भी वो शक्तियाँ, वो प्रेम जो सदा मेरे साथ रहता है, साकार रूप में भी उसको अनुभव कीजिए, महसूस कीजिए। खो जाइए बाबा के प्यार में। ओम शांति शांति शांति।
गुड नाइट, ओम शांति। तो फिर से हम कल मिलेंगे एक नई मुरली के साथ, तो अब तक लेके आज का होमवर्क भी हम सब करेंगे, और सब जाने से पहले दीदी को थैंक्स बोलेंगे। ओम शांति, गुड नाइट, ओम शांति, ऑल ऑफ यू, थैंक यू आपको, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाप दादा, थैंक यू बाबा, थैंक यू, ओम शांति फॉर एनलाइटनिंग ऑल ऑफ अस, सिंसियर थैंक्स, ओम शांति, ओम शांति। ಅಲ್ಲ ಆಯ್ಮ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕು.